मामला है जी, हमारे मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन के साथी विनोद कुमार बेलदार जी का मामला है, जिन्होंने इस विभाग के अंदर बेलदार के पद पे कार्य करते हुए लगभग जो है 15 साल हो गए हैं, और साथ ही जो है यहाँ के भ्रष्टाचार के विरोध में बार बार आरटीआई लगा रहे थे, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ आरटीआई लगा रहे थे उन लोगों पे डाउट किया जा रहा है कि उन्हीं लोगों ने जो है उस पे जानलेवा हमला करवाया है, और उस हमले की निंदा करने के लिए साथी को न्याय दिलवाने के लिए आज कर्मचारी साथी जो है पब्लिक हेल्थ के इस गेट पे जो है गेट मीटिंग कर रहे हैं, और अगर हमारी सुनवाई ना की गई तो ये जो आंदोलन है ये एक अग्नि का रूप धारण कर लेगा, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है फतेहाबाद प्रशासन की होगी। तो काम का और 10 बजे के पहले पहले हर जगह जो है वाटर सप्लाइयां दे के शाम को 3 बजे फिर वाटर सप्लाई शुरू होती है, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने आंदोलन का समय जो है 10 बजे से 12 बजे का रखा हुआ है। तो यहाँ पर मतलब क्या आपने किया है यहाँ पर, मतलब किस प्रकार का प्रोटेस्ट किया है? हमारा प्रोटेस्ट इसी बात को लेकर है कि तुरंत से तुरंत जो है फतेहाबाद का प्रशासन, फतेहाबाद की पुलिस जो है दोषियों को गिरफ्तार करे, और यहाँ इसलिए किया जा रहा है कि ये हमारा कार्यालय है और हमारा कर्मचारी जो है इसी कार्यालय का कर्मचारी था, ड्यूटी पे आते समय रास्ते में उसके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, आज उस बात को चौथा दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुंशी राम कंबोज, जिला प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ।